नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी। युद्ध भूमि में जब जब दुश्मन ने अपनी आंखें टेढ़ी करने की कोशिश की, हमारे शूरवीरों ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो कई सालों तक अपनी नापाक नजरें हमारी तरफ दोबारा से ना दिखा पाए। लेकिन ये शौर्य गाथा जब तक अधूरी है जब तक हम अपने इन शत्रु नरसंहार तोपों की बात ना करें। ये वो तोपे हैं जिनका नाम सुनते ही जब जब दुश्मन ने सुना उसके पुराने घाव ताजा हो गए। जब जब इनकी खबरें दुश्मन को मिली उसकी भूमि पर पूरा हड़कंप मच गया। आज हम आपको बताएंगे इन्हीं तोपों के बारे में। धमाकों की ऐसी गूंज कि भय से थर थर कांप उठे पाकिस्तान। बारूदी गोलों के प्रहार से आतंकिस्तान को बनाया कब्रिस्तान। दुश्मन का काल युद्ध में जिसके शौर्य से अजय बना हिंदुस्तान। दुश्मन का काल युद्ध में जिसके शौर्य से अजय बना हिंदुस्तान। बदलते वक्त के साथ भारत के जंगी बेड़े में हथियारों को जोड़ा जाने लगा, लेकिन करीबन 30 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब भी बोफोर्स सबसे भरोसेमंद हथियारों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि करीबन 30 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, चाहे वो कारगिल हो या फिर मौजूदा दौर में आतंकी लॉन्च पैड को बर्बाद करना हो। जब जब इसकी जरूरत पड़ी इसने अपना मुंह ऐसा खोला कि दुश्मन के इलाके के अंदर तबाही मचा दी। यही वजह है कि बोफोर्स को आज भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद हथियारों में देखा जाता है। इससे पहले हम आपको बोफोर्स की और जानकारी दे, इससे पहले हम आपको बताएंगे आखिरकार बोफोर्स को सबसे ज्यादा आगे इस बेड़े में क्यों रखा जाता है। तकरीबन 20 साल से भारतीय सेना के जंगी बेड़े में शामिल ये वो तोप है जो दुश्मन देश को विस्फोटक मौत देती आई है। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, रेतीली युद्ध भूमि हो या फिर पहाड़ी मैदान, ये तोप टारगेट को लॉक कर उसे नेस्तनाबूद करने में माहिर है। जो आर्टिलरी गन्स होती हैं, जैसे ही वो एक जगह से फायर करती हैं, तो दुश्मन उनकी लोकेशन को उनके फायर करने से समझ जाता है और उस गन को वही न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन बोफोर्स गन की खासियत ये है कि ये अपनी लोकेशन को तुरंत चेंज कर लेती है, यानी कि दूसरी जगह चली जाती है, लिहाजा इसके ऊपर काउंटर अटैक की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तारीख 20 अक्टूबर 2019, भारतीय सेना को POK के जुरा अथमुकम और कुंडलशाही में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड होने की खुफिया जानकारी मिली। आतंकवादी बर्फबारी से पहले घुसपैठ की फिराक में थे। सेना ने बिना देर किए इन आतंकी कैंपों को निशाना बनाया और इस मकसद में तोपखाने के सबसे घातक हथियार बोफोर्स का इस्तेमाल किया गया। Come on!
ये बोफोर्स तोप की शक्ति का ही कमाल है कि भारतीय सेना ने बिना बॉर्डर पार किए आतंकी कैंपों को कब्रिस्तान बना डाला। लेकिन बोफोर्स तोप का नाता कई विवादों तक भी जुड़ा रहा। यही वजह रही कि करीबन 30 साल तक भारतीय सेना में कोई नई तोप नहीं आई। लेकिन नए भारत में जब भी बोफोर्स को अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला, उसने अपने आप को साबित कर दिया। तारीख 4 अगस्त 2019, एलओसी पर मुस्तैद जवानों ने पाकिस्तानी बैट कमांडोज की घुसपैठ से जुड़ी कोशिशों को नाकाम कर दिया। सेना की वर्दी में आए करीब 5 से 7 आतंकियों को मार गिराया गया। काफी देर तक इन घुसपैठियों के शव वहीं पड़े रहे। सेना ने पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए बोफोर्स तोप का ही इस्तेमाल किया। यानी जरूरत चाहे सीमा पार प्रहार की हो या फिर घुसपैठ पर मुंह तोड़ जवाब देने की, ये तोपे हमेशा शत्रु नरसंहारक के तौर पर देखी जाती है। हालांकि कारगिल युद्ध सबसे बड़ी कसौटी है जिसने साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थिति और अचूक निशाने में ये सबसे बेहतरीन तोप है। तारीख 13 जून 1999, कारगिल में जब हमारी सेना चोटियों में बने बंकर में छिपे दुश्मनों पर हमला कर रही थी, तो उनकी बंदूकें बहुत ऊंचाई पर बने बंकरों तक नहीं पहुंच रही थी, जबकि ऊंचाई पर छिपे दुश्मन आसानी से हम पर हमला कर रहे थे। कारगिल की खाई हमारे सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी। उस वक्त वो फोर्स का सहारा लिया गया और ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों पर वार किया गया। एयरफोर्स कैपेबल नहीं था, लाइन ऑफ परमिटेड नहीं था लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर जाने के लिए, लिहाजा हमें एक ऐसी गन की जरूरत थी जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर काम कर सके, यानी कि करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर। उस 8000 फीट की ऊंचाई पर काम करने वाली जो तोप थी वो बोफोर्स थी। बोफोर्स तोपों ने तोलोलिंग की चोटी के साथ ही द्रास सेक्टर की हर चोटी में छिपे दुश्मन पर निशाना लगाया। बोफोर्स 13 जून 1999 को तोलोलिंग रेंज से दुश्मन को खदेड़कर भारतीय सेना ने उस युद्ध का रुख अपनी ओर मोड़ लिया था। तोलोलिंग पर हमारी जीत पूरी हो चुकी है सर। तोलोलिंग पर तिरंगा लहरा रहा है सर। ओवर। कांग्रेचुलेशंस कर्नल रवि, योर बटालियन हैज डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर। यू एंड योर बॉयज हैव डन अ ग्रेट जॉब। वी हैव पेड हेवी प्राइस टू विन तोलोलिंग। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट सर। बोफोर्स जो है ये आर्टिलरी गन नहीं है, ये होविट्जर है। होविट्जर किसे कहते हैं? होविट्जर उसे कहते हैं जो सीधा निशाना तो मारती है, ये ऊपर से जाके पहाड़ की दूसरी तरफ भी मार करती है, इसलिए इसे होविट्जर कहते हैं। तो इसकी उस समय आवश्यकता हुई और इसने भरपूर अपना काम किया कारगिल में। तोलोलिंग पर विजय पाना सेना के लिए अहम था, क्योंकि इस पूरी रेंज का अपना एक अलग ही रणनीतिक महत्व है। इस रेंज की आड़ में छिपकर दुश्मन ने सीधा सेना और उसे सप्लाई होने वाली रसद को अपना निशाना बनाया था। बोफोर्स के हिस्से में कई उपलब्धियां शामिल हुई तो इसकी कई वजह भी हैं। बोफोर्स तो 27 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकती है। हल्के वजन की वजह से इसे युद्ध भूमि में कहीं भी तैनात करना
और यहाँ वहाँ ले जाना आसान होता है। 155 mm लंबी बैरल वाली ये तोप एक मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है। तोप की सबसे बड़ी खासियत इसे -3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर करने की है। इस खासियत से ये तोप पहाड़ी इलाकों में बहुत कारगर साबित होती है। वैसे भारतीय सेना के जंगी बेड़े में एक देसी बोफोर्स भी शामिल है जिसका नाम है धनुष। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों धनुष को बोफोर्स से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। दो घंटे तक बिना रुके दुश्मन पर बम बरसाने वाली इस तबाही का नाम धनुष है। इसे देसी बोफोर्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी बनावट बोफोर्स के हैबिट्स FH-77 संस्करण की तरह है। हाल में सेना के जंगी बेड़े में शामिल धनुष की सबसे खास बात यह है कि इसका एक एक पुर्जा स्वदेशी है। वापस आया था अंटिल अनलेस हमारे टीओटी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती है, हमारे देश में ही उसका निर्माण ना हो तो आप उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आप डिपेंडेंट होते हैं। तो धनुष के अंदर में हमारी ये क्षमता है, जो उसके अंदर गुण है और जो चीजें हमें चाहिए हमारे बैटलफील्ड के अनुसार, हम इसमें भी डाल करके इसकी भी और बेहतरी कर सकते हैं। जहां बोफोर्स तोप की मारक क्षमता 27 किलोमीटर है, वहीं देश की पहली स्वदेशी तोप 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सटीक निशाना साध सकती है। यानी धनुष टारगेट को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। इस तोप के साथ जुड़ी एक और खूबी है, इसमें इस्तेमाल होने वाला एक्सकैलिबर यानी गोला बारूद। इसे खास तौर पर धनुष के लिए अमेरिका से खरीदा गया है। धनुष में वो सारी खूबियां हैं जो बोफोर्स के अंदर में है, इसकी मार की क्षमता, एक्यूरेसी, मूवमेंट। एक फायर एंड स्कूट का एक स्ट्रेटजी होती है कि फायर करें और जगह को बदलें, जिससे कि आपके काउंटर फायर जब आता है दुश्मन में तो जगह का बदलाव, उसका वेट, उसकी मार करने की क्षमता, रेंज। धनुष एक हमारे देश के लिए वही है जो बोफोर्स जब आया था उस समय का एक हथियार था। एक्सकैलिबर गोला बारूद 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदता है। ये GPS सिस्टम से लैस है जो लक्ष्य को पहचान कर उसे खत्म करता है। इस तोप के लिए 2011 से काम शुरू हुआ था जो 2014 में जाकर पूरा हुआ। इसके बाद लगातार 4 साल से तोप का परीक्षण चल रहा था और आज देसी बोफोर्स यानी धनुष सेना के जंगी बेड़े का हिस्सा है। यानी बोफोर्स की तरह जब भी जरूरत पड़ी तो धनुष भी दुश्मन पर कहर बरपाएगी, लेकिन सेना के पास एक बिच्छू भी है, जब दुश्मन को निशाना बनाएगा तो दुश्मन तर से तड़प उठेगा। इसे ड्रैगन का यानी चीन का निगेबा भी कहा जाता है। देखिए इस पहाड़ी इलाके में तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता ये मिलिट्री व्हीकल, जिसके पीछे अटैच्ड है बिच्छू जैसी दिखने वाली ये तोप। ऑपरेशन मैनुअल है, यानी इस तोप को सैनिक खुद ऑपरेट करने वाले हैं। हम घड़ी की रफ्तार के साथ एक्शन टाइम शुरू करते हैं। काउंटडाउन शुरू होते ही कमांडर इशारा करता है और वहां मौजूद सैनिक मिशन में जुट जाते हैं। मिलिट्री व्हीकल को वहां से दूर किया जाता है और फिर शुरू होता है तोप में एमिनेशन लोड करने का काम। एक सैनिक
गाड़ी से गोला निकालकर आगे बढ़ता है। दूसरा सैनिक तोप में गोला फिट करता है और फिर एक लंबी सी पाइप जैसी चीज से गोले को सेट किया जाता है और तोप एक्टिव हो जाती है। थॉब्जर का इस्तेमाल हमारे सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो टैंकियों के ऊपर में लगी हुई है वहां पर भी होती है। वहां भी ये ट्रैक लगा होता है, जैसे आप देखती हैं किसी क्रेन में या किसी में जो ट्रैक होता है, या आपने ये देखा है टैंक उसमें एक ट्रैक होता है, उस तरह का भी इसमें ट्रैक होता है, इसलिए ये आकार बिच्छू का लेता है। घड़ी देखिए, सिर्फ 45 सेकंड में इस तोप ने अपना काम कर दिया। उसके बाद एक एक करके ये सैनिक तोप में गोले डालते गए और धमाकों से पूरा पहाड़ गूंजता रहा। मिशन पूरा होने के बाद तोप को फिर इसी मिलिट्री व्हीकल में अटैच किया जाता है और एक एक करके सारे सैनिक गाड़ी में सवार हो जाते हैं। अगला मिशन जंगल के बीचों बीच पूरा किया जाना है। देखिए, एक बार फिर तैयारी शुरू होती है। जंगल के अंदर फटाफट इस तोप को असेंबल किया जाता है। तोप की नली टारगेट की ओर सेट की जाती है और एक बार फिर से बारूदी गोले गरज उठते हैं। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको ये बता सके कि ये तोपें कभी भी दुश्मन का काल बनकर उन पर गरज सकती हैं। इन्हें आसानी से किसी भी रास्ते यानी जंगल हो या पहाड़ आसानी से पहुंचाया जा सकता है और दुश्मन के सभी मंसूबों को धूल चटाई जा सकती है। अब आइए आप इस यमराज को भी पहचानिए। अब आइए आप इस यमराज को भी पहचानिए। ये हिंदुस्तान का वो अचूक शस्त्र है जो पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को तबाह और बर्बाद कर सकता है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस आर्टिलरी गन माना जाता है। आप उसको हाई एंगल में फायर कर सकते हैं, लो एंगल में, या फ्लैट डायरेक्ट फायरिंग में यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फायरिंग में जब आप यूज करते हैं एक ऑब्जर्वर को, तो आप डायरेक्ट, जिस तरह से हमारी टैंके फायर होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायरिंग नहीं होता, तो आप डायरेक्ट फायर करके भी आप बर्बाद कर सकते हैं। फिलहाल ये तो सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के पास है। होवित्जर तो 30 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। इसे हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए जरूरत लायक जगह पर ले जाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं दुश्मन के ऐसे काल के बारे में जिसका नाम है K9 वज्र, जो दुश्मन पर वज्र बनकर टूट पड़ेगी। तारीख 19 जनवरी 2019, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजीरा में LNT होवित्जर तोप निर्माण इकाई में बने K9 वज्र को सेना को सौंप दिया। K9 वज्र दुश्मन के ऊपर 30 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम है, जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। मतलब अब हम बॉर्डर पर 38 किलोमीटर दूर बैठकर दुश्मनों पर वज्र गिरा देंगे। पिन पॉइंट टारगेट, और क्योंकि ये एरिया वेपन है और इसको केवल एक हथियार को फायर एक साथ नहीं किया जाता, या तो इसको आप बैटरी में करते हैं या ट्रुप में फायर करते हैं या पूरे रेजिमेंट फायर करती है कॉन्सेंट्रेटेड फायर, तो एक इलाके में जब आप फायर डालते हैं तो एक इलाके को पूरा बर्बाद करने की क्षमता रखता है। K9 वज्र टी की एक और खासियत यह है कि ये 1.5 मीटर पानी के भीतर जाकर भी निशाना साध सकती है।
K9 वज्र टीम रेगिस्तान में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है।